हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे फिजिक केम एकेडमी में स्वागत है। इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम आईआईटी जैम एग्जाम की प्रिपरेशन करवाते हैं और हमारा मोटिव है कि ज़्यादा से ज़्यादा व्यूवर्स हमारे अच्छे अच्छे आईआईटीज और एनआईटीज के अंदर एडमिशन ले सकें, इसलिए हम ये सब करवा रहे हैं। इस कड़ी में जो फिजिक्स ये सब्जेक्ट है, इसके अंदर मैं अभी आपको ले रहा हूँ सॉलिड स्टेट फिजिक्स। इसके 3 लेक्चर मैंने अभी तक करवा रखे हैं और ये इसी कड़ी का चौथा लेक्चर है। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि जो लैटिस हमने अब तक देखा था उसके टाइप्स क्या क्या होंगे 2D में और 3D में, और उसके साथ साथ कुछ और भी चीज़ें हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली अभी तक हमने सबसे पहले देखा था कि मैटर क्या होता है, मैटर के टाइप्स देखे थे। जब मैटर के टाइप्स देख रहे थे उसमें एक चीज आई थी सॉलिड स्टेट की, तो इस सॉलिड के फिर हमने टाइप्स देखे थे। सॉलिड के बेसिकली टाइप्स आपके क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस आए थे, और फिर उसको चीजों को देखते गए, फिर सिमेट्री को हमने देखा, वहां पे क्रिस्टल देखा, ब्रेवेस देखा, लैटिस देखा, हर चीज को देखा हमने, समझा है। पर अभी हम देखने वाले हैं लैटिस के टाइप्स। तो सबसे पहले हम 2D सिस्टम की बात करते हैं कि 2D में टाइप्स क्या क्या हो सकते हैं। तो ये लैटिस के जो टाइप्स थे ये देने का काम किया ब्लेवेस साहब ने, तो उन्हीं के नाम से ये सब चीजें चलती रहती हैं। तो जब और एक चीज आपको पता है कि जब भी आप लैटिस की स्टडी करते हो आपको कुछ पैरामीटर्स की जरूरत होती है, जैसे हर चीज को डिस्क्राइब करने के लिए कुछ ना कुछ चीजें लगती है। वैसे लैटिस को डिस्क्राइब करने के लिए आपको लगता है, अगर ये एक लैटिस है तो इसकी 3 साइड्स, जैसे ये और ये साइड, और इनके बीच के आपस के ये सारे एंगल्स। तो अब हम 2D की बात करते हैं तो यहाँ पे 2 साइड्स आएंगे और 2 एंगल्स आएंगे। साइड हम लेंगे ए और बी। जब हम ए और बी की बात करते हैं तो इसके बीच में बेसिकली दो नहीं एक ही एंगल आएगा, इन दो के बीच में एक ही एंगल आएगा जो कि होगा गामा। सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं तो सबसे पहली चीज आती है हमारी कि ऑब्लिक लैटिस। ये सबसे पहला टाइप है। इस टाइप की खासियत ये है, हम बेसिकली क्रिस्टल मतलब जो लैटिस है उसके टाइप्स कैसे करते हैं। तो ये जो पैरामीटर्स है आपके यहाँ पे जो साइड और एंगल्स है, हम इनको वेरी करते हैं, इनको सेम रखते हैं और इनके थ्रू हम चीजों को करते हैं। तो अगर मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँ तो अब जब मैं यहाँ पे क्या ले रहा हूँ ए और बी, अगर ए और बी मेरे सेम आते हैं तो मेरी क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। सेम है तो स्क्वायर बन सकता है या फिर हेक्सागोनल बन सकता है। स्क्वायर बनने के लिए एक एडिशनल चीज लगती है, वो है एंगल की। इन दो में से अब कौन होगा ये डिसाइड करने के लिए हम लेंगे एंगल की हेल्प। अगर एंगल आपका 90 डिग्री है तो ये बन गया आपका स्क्वायर, अगर ये 120 है तो ये बन गया आपका हेक्सागोनल। ये चीज आपने मैथ्स में काफी देखी होगी, आप जब जगह कहाँ पर है, हाँ यहाँ पर, जब मैथ्स में आप डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते हो तो सॉल्व करके आपका इक्वेशन समझो इस फॉर्म में आया C1t + C2। तो अब इसको यहाँ पे दो कांस्टेंट से, इनके लिए आप यूज करते हो बाउंड्री कंडीशंस BC। तो ये बाउंड्री कंडीशंस आपके पैरामीटर को बताती है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, कौन सा एलिमिनेट होगा, कौन सा रहेगा, कौन सा डिपेंड करेगा, सही है। तो ये यही चीज सेम वही कि वो ही कंसेप्ट हमने यहाँ पे यूज किया है कि आपका जो एक्स था अब उस एक्स की जगह पे आपका क्या होगा क्रिस्टल लैटिस। अब उस क्रिस्टल लैटिस को डिफाइन करने के लिए कुछ बाउंड्री कंडीशंस होगी। वो बाउंड्री कंडीशंस है यहाँ पे हमारी साइड की लेंथ मतलब जो साइड से उस यूनिट सेल की और उन साइड के बीच का एंगल, ये बेसिकली है आपका बाउंड्री कंडीशन। अगर मैं दोनों साइड सेम लेता हूँ तो मेरा दो पॉसिबिलिटीज हैं,
कि या तो मुझे स्क्वायर मिल सकता है या तो हेक्सागोनल। अब तीस जब ये कंडीशन होती है तो अगली कंडीशन यूज करेंगे गामा की, उससे मेरा मिल के आ गया क्या क्या होगा। अब इन दोनों को सेम किया, इसको आप वेरी नहीं कर सकते हो बहुत ज्यादा बेसिकली, क्योंकि ये तो एक ही एंगल है। तो अब जब सेम ले लिए, अब दोनों को डिफरेंट ले लो। जब डिफरेंट लोगे फिर दो कंडीशन आ गई, या तो ऑब्लिक होगा या तो रेक्टेंगुलर होगा। अब इसको डिफरेंशिएट करने के लिए फिर आप गामा के पास चले जाओ। अगर गामा 90 है तो रेक्टेंगुलर बन गया, अगर आपका गामा कुछ और है 90 छोड़ के, तो बस आपका जो आंसर आएगा वो ऑब्लिक आ जाएगा। अब रेक्टेंगुलर के अंदर और दो टाइप्स पड़ते हैं, एक रेक्टेंगुलर प्रिमिटिव। प्रिमिटिव का मतलब आपको पता है, ये आपका रेक्टेंगुलर हो गया तो यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर, बस इतने ही एटम से, ताकि टोटल यूनिट सेल में एक कंट्रीब्यूशन आएगा बस। और रेक्टेंगुलर सेंट्रल की, इसके सेंटर में भी कुछ आपको मिल जाएगा, ये है यहाँ पे। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है, मैं थोड़ा सा मिटा के बताता हूँ आपको। इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो इन 4 और 5 इस नंबर पे ही वो आपको घुमा घुमा के पूछता है। तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि क्रिस्टल की जो सिस्टम्स है वो आपकी कितनी है, 4, और क्रिस्टल्स के टाइप्स 5 हैं। अगर आप यहाँ पे देखते हो तो जो आपका सीरियल नंबर के बाद वाला कॉलम है, ये क्रिस्टल सिस्टम, आपकी जो सिस्टम है वो 4 है। कौन कौन सी सिस्टम है? एक ऑब्लिक, रेक्टेंगुलर, स्क्वेयर और हेक्सागोनल। और इनके टाइप्स कितने हैं? 5, एक ऑब्लिक, रेक्टेंगुलर प्रिमिटिव, रेक्टेंगुलर सेंटर, स्क्वेयर और हेक्सागोनल। तो एग्जाम में जब भी आपको क्वेश्चन में पूछे क्रिस्टल सिस्टम बताओ, तो आप 4 टिक करके आएंगे। अगर वो पूछते क्रिस्टल के टाइप्स कितने, तो आप 5 टिक करके आओगे। और ये सबके डायग्राम्स यहाँ पे बना रखी है। और यहाँ पे आप देखिए, जो हम वहां पे इन नंबर्स को लेते थे उसका इम्पोर्टेंस यहाँ पे है। जैसे ऑब्लिक लैटिस जो है वो इनवेरिएंट रहता है जब आप उसे पाए या 2 पाए से रोटेट करते हो, तो आपका एन क्या निकल के आएगा यहाँ पे, 2 और 1, यानी 1 और 2, आप कुछ भी इधर उधर कर सकते हो। इसकी कंडीशन ये यहाँ पे है कि अ लैटिस शुड बी इनवेरिएंट अंडर रोटेशन ऑपरेशन। ये चीज इसको आप ध्यान रखिए कि किसी भी लैटिस को जब आप रोटेट करते हो तो ये चीज आपकी आनी चाहिए मिरर में, ठीक है। यहाँ पे आपका जो एंगल आना चाहिए वो सब हमने पिछले लेक्चर में देखा था, कॉस वगैरह ले लेके। जब हेक्सागोनल की बात करते हो तो ये आता है π/3 बेसिकली निकल के। हमने 2D देखा, 2D के बाद अब हम मूव करेंगे 3D पे। तो 3D के केस में जब हम देखते हैं तो यहाँ पे टोटल 7 क्रिस्टल की सिस्टम्स हैं, और उन 7 सिस्टम्स के 14 टाइप्स हैं। 2D के केस में आपकी 4 सिस्टम थे और उनके 5 टाइप थे, यहाँ पे 7 सिस्टम है और उनके 14 टाइप्स हैं। तो सबसे पहले हम जो पैरामीटर यूज करते थे, सेम पैरामीटर यूज कर रहे हैं। जैसे मैं 3D की बात करूं, ये आपका लैटिस हो गया, ए बी और सी, इनके बीच का एंगल गामा, इनके बीच का एंगल बीटा, और मैं ऐसे ही यहां भी बनाता हूँ। ये आपका बी होगा, ये आपका सी होगा, और ये जो एंगल रहेगा ये वाला, ये आपका होगा अल्फा, ये यहाँ पे है। तो इस तरह से हमारे पास अब क्यूबिक सिस्टम में, क्यूबिक बोल दीजिए 3D सिस्टम में, 3 साइड से ए बी सी और उनके बीच 3 एंगल से अल्फा बीटा और गामा। अब हम
हमें क्या है कि 7 सिस्टम्स बनानी है। तो अब ये सिस्टम्स कैसे बनेंगी, हम इनको सेम रखेंगे इनको वेरी करेंगे, इनको सेम रखेंगे इनको वेरी करेंगे, सबको सेम रखेंगे सबको वेरी करेंगे, यही तो पॉसिबिलिटी है हमारे पास। या किसी दो को कांस्टेंट करके कोई और चेंज करेंगे, इसके अलावा तो कुछ और पॉसिबिलिटी है नहीं। तो सबसे पहले हमने सबसे सिंपल एग्जांपल लिया जहां पर आपकी सारी साइड्स जो है वो सेम थी और सारे एंगल आपके 90 डिग्री थे। तो जब ऐसी सिचुएशन आए तो ये होता है आपका क्यूबिक सिस्टम। जैसे वहां पे जो था वो स्क्वायर था, आपको पता है कि जब सिमेट्री की बात आती है ए इज इक्वल टू बी, तो ये दो साइड स्क्वायर के टर्म्स में ही इज इक्वल रहती है। और अगर हम स्क्वायर को एक के ऊपर एक रखते जाएंगे तो हमको मिलेगा क्यूब, ताकि यहाँ पर इस क्यूब का ये तीसरी साइड भी सेम रहेगी। वहां पे गामा 90 था तो यहाँ पे बाकी दो एंगल भी 90 के रहेंगे। और इस ब्रेवियस क्यूबिक लैटिस के 3 टाइप्स होते हैं, एक होता है सिंपल क्यूबिक, एक होता है बॉडी सेंटर और एक होता है फेस सेंटर। और ये इनके सिंबल से और ये इनके एग्जांपल से। अब मैंने क्या किया, बहुत कुछ चेंज नहीं किया है, मैंने एंगल को सेम रखा है जैसे यहां पे था, मैंने एक पैरामीटर चेंज कर दिया, मैंने एक साइड को चेंज कर दिया, दो साइड मेरी सेम थी एक साइड मेरी जो है वो डिफरेंट आ गई। जब ये चीज है तो इसको बोला जाता है टेट्रागोनल लैटिस। अब टेट्रागोनल के अंदर आपकी दो साइड इक्वल है एक साइड डिफरेंट है और आपके तीनों एंगल्स जो है वो 90 डिग्री के। इसके 3 टाइप से सिंपल और बॉडी सेंटर। अब इसके बाद अगली सिस्टम, इस सिस्टम में मैंने एंगल को अभी भी सेम रखा है, मैंने एंगल को अभी भी हाथ नहीं लगाया है, जो भी मैं चेंज कर रहा हूँ वो चेंज कर रहा हूँ मैं साइड्स के साथ। तो यहाँ पे जब मैंने साइड्स के साथ, अभी मैंने दो साइड इक्वल रखी थी अब मैंने उसको भी चेंज कर दिया, तो यहाँ पे मेरी तीनों साइड जो है वो डिफरेंट है बट एंगल मेरे 90 डिग्री के हैं। तो इस सिस्टम को कहा जाता है ऑर्थो रोम्बिक सिस्टम। इसके 4 टाइप्स होते हैं, सिंपल, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर, एंड सेंटर। अब ये क्या होते हैं ये मैं आपको ड्रॉ करके बताऊंगा। उसके बाद मैंने अभी थोड़ा सा चीज चेंज करता हूं मैं, जैसे अभी कंटिन्यूएशन में हम थोड़ा आगे चलते हैं। जैसे अभी तक हमने देखा कि पहले मेरे तीनों साइड और तीनों एंगल इक्वल थे, फिर मेरे एंगल इक्वल थे लेकिन एक साइड चेंज थी, फिर मेरे दो साइड चेंज हो गई, मतलब तीनों साइड चेंज हो गई। अब मैंने क्या किया, तीनों साइड मेरी डिफरेंट थी, मैंने दो ही एंगल को 90 डिग्री के बराबर रखा और तीसरा एंगल वेरी कर दिया। एक चीज, जब ये चीज हुई तो इसे कहा जाता है मोनोक्लिनिक। अब इसके बाद अगली स्टेप मेरी ये होगी कि अब साइड को तो मैं कुछ नहीं करूंगा, साइड सारी डिफरेंट है, जो एंगल इक्वल थे इनको भी मैं डिफरेंट कर दूंगा। तो ये हो गया मेरा ट्राइक्लिनिक। इसका एक टाइप है सिंपल। अभी दो सिस्टम और है, ये टोटल 5 सिस्टम्स हो गए। अब जब मैंने क्यूबिक की बात की थी तो वहां पे मेरी साइड इक्वल थी एंगल इक्वल थे, यहाँ पर भी सेम है, बस मैंने क्या किया एंगल जो है वो 90 डिग्री के इक्वल नहीं है, कोई भी एंगल मेरा 90 के इक्वल नहीं है। आपको रोम्बस पता है, जैसे अगर ये स्क्वेयर है इसको अगर आप थोड़ा टिल्ट कर दो तो ये आपका रोम्बस बन गया, यहाँ पे जो आपके 90 थे अब ये यहाँ पे आपके 90 नहीं है। तो सेम चीज यहाँ भी फॉलो होगी, इसका भी एक ही टाइप है सिंपल। और अगला टाइप है हेक्सागोनल का। तो हेक्सागोन आपको अच्छे से पता है कि जहां पे एंगल 120 का होता है दो साइड इक्वल रहती है, तीसरी इक्वल नहीं रहती। यहाँ पे मैं आपको कुछ चीजें ड्रॉ करके बताता हूँ कि बेसिक ये कैसे होते हैं, जो सिंपल और बाकी सब चीजें हैं यहाँ पे इन सब के बारे में अभी हम देखते हैं।
एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन आमतौर पे क्यूबिक सिस्टम के लिए पूछा जाता है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट करके नहीं पूछता है वो। मैं दो तीन डायग्राम्स एक साथ ही बना देता हूँ, फिर उसके बाद इसको डिस्कस करेंगे हम अच्छे से। अब देखिए, हम देखते हैं कि सिंपल वाला क्या होता है। सबसे पहले हम सिंपल देखते हैं, तो सिंपल में ये होगा, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ 1 मिनट। तो जो आपका यहाँ पे तो सिंपल के अंदर ये होता है कि आपके जितने भी कॉर्नर से वहां पे एक एक एटम मौजूद रहता है, और आपको ये चीज पता है कि जब भी कॉर्नर पे आपका एटम है तो उसका कॉन्ट्रीब्यूशन होता है 1/8। शायद ये कलर आपको दिखेगा, नहीं मैं दूसरा ले लेता हूँ जो डार्क होगा। तो जब भी कॉर्नर पे होता है तो उसका कॉन्ट्रीब्यूशन होता है 1/8। अब क्या होगा, ये वाले तो सेम रहेंगे जो कॉर्नर पे है, क्योंकि कॉर्नर पे तो एटम रहेंगे ही रहेंगे। तो ये अब एक चीज कॉमन है, क्योंकि ये जो होता है ये प्रिमिटिव होता है, इसके बाद ही बाकी सारे टाइप्स निकल के आते हैं। तो ये आपका प्रिमिटिव हो गया। इसके बाद जो आपका बेस सेंटर्ड है, तो उसमें क्या होगा, इस क्रिस्टल लैटिस के बेस पे एक एटम रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका बेस सेंटर। उसके बाद फेस सेंटर देखते हैं, कि जिसके फेस पे ये जो आपका सरफेस है ना, उस पे एक एटम है, ये पीछे वाला लैटिस और एक आगे वाला। तो 1 2 3 4 5 6, तो इसमें ये होता है कि ये जो एटम था ये उस लैटिस के अंदर था, पूरा के पूरा अंदर था। अब ये लैटिस जो है ये उसके सरफेस पे है। अगर आप कोई ऐसे बॉल कंसीडर करते हो, एक पानी के लेयर के अंदर, आधा पानी के नीचे है आधा पानी के ऊपर है, उस तरह से इसको आप समझ सकते हो कि ये एटम सरफेस पे इस तरह से है। और जो आपका एंड सेंटर आता है, उसमें एक अपर सरफेस पे और एक बॉटम सरफेस पे, ये हो गया आपका एंड सेंटर। और जो आपका हेक्सागोनल लैटिस था वो कुछ इस तरह से बनता है, थोड़ा सा इसको 3D बनाने की कोशिश करता हूँ। बन जाएगा ये। ये समथिंग इस तरह से आपका ये बनता है। तो जहां पे आपका ए और बी सेम है, ये सी डिफरेंट है, ये एंगल आपका 120 का है, और ये एंगल जो है आपका ये 90 का है। तो इस तरह से ये आपका होता है हेक्सागोनल। फिर कलर चेंज कर लेता हूँ अच्छा सा। ये सारी चीजें थी यहाँ पे, और अभी हम कुछ इसकी कंपैरेटिव स्टडी करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट क्रिस्टल स्ट्रक्चर की। तो मेनली हम देखेंगे क्यूबिक सिस्टम को,
SCC मतलब सिंपल क्यूबिक, बेस सेंटर क्यूबिक और फेस सेंटर क्यूबिक, ये हेक्सागोनल और ये है डायमंड क्लोज। तो इन सारी चीजों को हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो ये चीज आपको समझनी होगी, तो ये केमिस्ट्री में भी आपने काफी ज्यादा देख रखा होगा, नहीं तो यहाँ पे अपना फिजिक केम अकेडमी पे ही, हमारे फिजिक केम पे ही केमिस्ट्री में भी एक कोर्स है, उसे भी आप देख सकते हो अगर आपको कुछ चीजें एक्स्ट्रा समझनी है, देखनी है, तो वहां पे शायद ये चीजें डायग्रामेटिकली काफी अच्छे से समझी होगी। मैं भी कोशिश करूंगा कि आपको ये चीजें डायग्रामेटिकली समझाऊं। जैसे सिंपल क्यूबिक की अगर मैं बात करूं, तो मैं या फिर 3D में नहीं बनाता हूँ, 2D में बना दूंगा, चलिए 3D में ही बना देता हूँ। और आपको पता है कि इसके जो है सेंटर पे, कॉर्नर पे जो है सारे एटम्स मौजूद रहते हैं, ये हम नॉर्मल रिप्रेजेंट करते हैं, बट एटम ऐसे पॉइंट थोड़ी ना रहेगा, वो ऑलमोस्ट इस तरह से आधा पार्ट जो है उसका कैप्चर कर लेता है। तो ये एज लेंथ होगी ए, इस एटम की रेडियस आर, तो यहाँ पे देखिए आपकी ए जो है आपका 2R के बराबर हो गया। अब इस एटम के नियरेस्ट सबसे नजदीक कौन है, तो अगर आप इसको एक्सटेंड करोगे ये बाहर और ये नीचे, तो इस पार्टिकल के, ये जो पार्टिकल है जो कॉर्नर पे था, इसके राइट में एक है, इसके लेफ्ट में एक पार्टिकल है, इसके पीछे एक पार्टिकल है, इसके आगे एक पार्टिकल है, इसके ऊपर एक पार्टिकल है और इसके नीचे एक पार्टिकल है। तो इसके सबसे नजदीक ए डिस्टेंस पे 6 पार्टिकल है, इसके नियरेस्ट नेबर्स या फिर आप कोऑर्डिनेशन नंबर क्या बोल सकते हो, 6। अब बात आती है कि अब ये तो सबसे बाजू वाले हो गए, अब थोड़े से दूर वाले, तो यहां से देखिए आप, यहां से सबसे दूर को मतलब ए से दूर क्या होगा, ये वाला पार्टिकल, ये √2a डिस्टेंस पे होगा, ऐसे यहां पे, यहां पे, यहां पे, ऐसे ऊपर नीचे इधर और इधर। तो जैसे अब यहां पे समझ सकते हैं, इसमें समझ सकते हो आप काफी अच्छे से। तो ये हो गया आपका, इसको मैं थोड़ा सा बना देता हूँ ड्रॉ करके और पेन चेंज कर लेता हूँ। तो जब आप यहाँ पे देखते हो, तो ये तो आपका ए डिस्टेंस पे था, तो इस डिस्टेंस पे √2a डिस्टेंस पे एक पार्टिकल है, √2a डिस्टेंस पे एक पार्टिकल है, यहाँ पे, यहाँ पे, और इस तरह से जब आप इसको ड्रॉ करते हो, तो आपको टोटल 8 पार्टिकल्स निकल के आते हैं जो इसके हैं सेकंड नियरेस्ट नेबर। इसी तरीके से थर्ड नियरेस्ट नेबर भी निकल के आता है। तो एक यूनिट सेल के ऊपर कंट्रीब्यूशन आप अच्छे से निकालते हो, ये हमने पिछले लेक्चर्स में देखा था। उस लैटिस का वॉल्यूम क्या होगा, हम क्यूबिक सिस्टम की बात कर रहे, तो ऑब्वियसली 1 क्यूब वॉल्यूम निकल के आएगा। इसका पैकिंग फ्रैक्शन जो होता है वो 52% या π/6 निकल के आता है। ये आपको होमवर्क है कि ये कैसे निकल के आता है, मैं आपको ये बता सकता हूँ। पैकिंग फ्रैक्शन बेसिकली क्या होता है कि एक लैटिस के अंदर एटम ने कितनी जगह ऑक्यूपाई कर रखी है, ये बताता है आपका पैकिंग फ्रैक्शन कि कितना वो पैक है, कितने एटम्स ने वो जगह कैप्चर कर रखी है। जब आप ये चीज देखते हो, तो इसमें पैकिंग फ्रैक्शन निकालने के लिए आपको लेना पड़ता है जेड, कितने नंबर उसमें है, उसको मल्टीप्लाई करना है एटम के वॉल्यूम से, जो एटम का वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ऑफ एटम, और उसको डिवाइड करना है आपको वॉल्यूम ऑफ लैटिस।
ये आपका क्यूबिक के लिए निकल जाएगा 1 क्यूब, एटम के लिए निकल के आता है 4/3 पाई r³। r और a के बीच में आपको रिलेशन पता है, हर चीज में कितने एटम्स होते हैं ये आपको पता है, इससे आप ये चीजें निकाल लेंगे। ये फॉर्मूला आप लिख लीजिएगा, एग्जाम में भी काफी बार पूछते हैं, कभी कभी डायरेक्ट पूछते हैं, कभी कभी इनडायरेक्टली किसी और सिस्टम का देके पूछ सकते हैं। तो इसके लिए मैं कुछ चीजें यहाँ पे मिटा देता हूँ। तो ये फॉर्मूला आपने लिख लिया होगा और इसके ऊपर आप बाकी सारे क्वेश्चंस कर लीजिएगा, ये पैकिंग फ्रैक्शन खुद निकाल सकते हैं आप। अब जितना पैक होगा उसको अगर आप 1 से माइनस कर देंगे तो आपको मिलेगा अनऑक्यूपाइड। तो अगर 52% ये पैक है तो 48% ये अनऑक्यूपाइड है, और इसको कहा जाता है लूज पैक, क्योंकि देख रहे हैं ना आप कितनी खाली जगह है यहाँ पे, और इसका एग्जाम्पल है पोलोनियम, ये एक ही एग्जाम्पल है। इसी तरह से आप बीसीसी का भी निकाल सकते हो, जैसे अगर आप लैटिस की बात करो, ये आपके बॉडी में एक पार्टिकल है, यहाँ पे एक पार्टिकल है और यहाँ पे एक पार्टिकल है, तो इस डायगोनल को आप ले लीजिए, इसे आप इस तरह से समझ सकते हो, एक ये पार्टिकल, एक ये पार्टिकल और एक ये पार्टिकल। तो ये जो डिस्टेंस है आपका, ये हो गया आपका 4r, ये 2r, ये r, ये r, और ये कितना हो गया डिस्टेंस आपका √3a, क्योंकि ये वाला पार्ट जो हो गया a, ये वाला पार्ट हो गया a, और ये वाला पार्ट हो गया आपका a। तो ये वाला डिस्टेंस जो होगा वो बेसिकली ये वाला डिस्टेंस होगा आपका लैटिस, इस तरीके से है ना हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं। तो आपको ये साइड और ये साइड, इसके परपेंडिकुलर जो साइड है हम वो ले रहे हैं, ये है आपकी 4r। तो ये अब और a के टर्म्स में आएगी, पाइथागोरस यहाँ पे लगाइए और आपका ये निकल गया √3a। नियरेस्ट नेबर लगाने का फॉर्मूला फिर सेम, नंबर ऑफ एटम्स यहाँ पे 2, वॉल्यूम 1³, पैकिंग फ्रैक्शन आप खुद निकालेंगे, ये आपको होमवर्क है। इसी तरीके से एफसीसी में आपका ये चीज निकल के आएगी। एफसीसी के लिए क्या कर हम देखते हैं इसको, चीज को मैं ड्रॉ करके बताता हूँ आपको चीजों को। बेसिकली आपको ये जो डायग्राम्स है, ये डायग्राम्स याद रखनी है, जब भी एग्जाम में अगर आपको पूछा जाता है और आपको ये रिलेशन पता नहीं है तो आप एट दैट टाइम ड्रॉ भी कर सकते हो। ये जो है, अब इसका ऊपर वाला सरफेस को हम थोड़ा सा अच्छे से देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एटम है इस कॉर्नर पे, इस कॉर्नर पे, और फेस पे एटम है आपका, ठीक है। आपका जो टोटल रेडियस कितनी आ गई यहाँ पे, 1, 2, 3, 4, टोटल 4 रेडियस। ये साइड आपकी ए, ये साइड आपकी ए, तो ये उसका बीच का पार्ट क्या हो गया आपका √2a। ये रिलेशन आपका निकल के आ गया यहाँ पे। तो यहाँ पे भी सेम चीज आप नियरेस्ट नेबर निकाल सकते हो, वॉल्यूम, पैकिंग फ्रैक्शन, अब देखते हैं हम हेक्सागोनल की बात। इसमें बहुत कुछ टफ नहीं है, ये एकदम इजी है, आपको बस लैटिस को ध्यान रखना है और आगे चलना है। हेक्सागोनल के अंदर आपको चीज ये पता है,
कुछ इस तरह से आपका ये लेटिस बनेगा। तो कॉर्नर पे हमेशा आपके आइटम्स रहेंगे, पिन चेंज करता हूँ मैं। यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे ये सारे तो आपके आइटम्स है ही। इसके साथ साथ इसके बॉडी में भी तीन आइटम्स प्रेजेंट रहते हैं, और यहाँ पर और यहाँ पर भी आइटम्स आपके प्रेजेंट रहते हैं। इसीलिए जब आप हेक्सागोनल की बात करते हो तो बॉडी के अंदर तीन, फेस पर एंड सेंटर पे दो, और कॉर्नर्स पे 12 आइटम्स। आप यहाँ पे देख सकते हो ना, ये 1 2 3 4 5 6, ऐसे 6, ये 12 कॉर्नर पे हो गए। इसके बीच में सेंटर पे तीन हो गए, और ये अपर फेस और नीचे वाले फेस पे आधा आधा पार्टिकल हो गए। यहाँ पे ये निकालने के लिए काफी डेरिवेशन है, बड़ा सा आपको किसी भी बुक में वो डेरिवेशन मिल जाएगा, जिसका हेल्प करके आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ये सारी चीजें जो यहाँ पे आई है इसको ड्रॉ कर सकते हो। बाकी सारी चीजें सेम है, इसमें आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ये वॉल्यूम का फॉर्मूला आप याद रख लीजिएगा। डायमंड का मैं डायग्राम ड्रॉ नहीं करूंगा, ये पूरा ही आपको होमवर्क है, आप इसको देख सकते हो। अगर आपने ये चार सिस्टम अच्छे से कर रखी है, डायमंड वाला करने में आपको कोई तकलीफ नहीं जाएगी, मैं लिख के देता हूँ आपको। इसके बाद इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो है सबसे ऊपर में, ये जो मैंने FCC और BCC के लिए ये सब लिख रखा है, ये एग्जाम में सीधा पूछा जाता है। 2021 में ये पूछा गया था, 1 नंबर के MCQ सेक्शन में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो अब देखिए, आप आपने देखे लैटिस पॉइंट्स, हर लैटिस के कितने होते हैं, और क्यूबिक सिस्टम में तो वॉल्यूम जो है वो ए क्यूब रहेगा, वो चीजें आपको पता है। तो अब देखिए कि पर यूनिट कितने लैटिस पॉइंट है, ये चीज हमने यहाँ पे मेंशन की है। सिंपल क्यूबिक में पर यूनिट क्यूब एक एटम है, एक लैटिस पॉइंट, BCC में दो और FCC में चार। अगर मुझे इस लैटिस को प्रिमिटिव लैटिस बनाना है तो मुझे क्या करना होगा, अगर प्रिमिटिव लैटिस के सेंस में मुझे बात करनी है? या फिर एक ऐसा समझिए, अगर कोई लैटिस है तो उसमें शेयरिंग कैसे हुई है, ठीक है? जैसे अगर किसी लैटिस में एक ही एटम है तो पूरा के पूरा जो वॉल्यूम है लैटिस का वो एक को मिलेगा। अगर मेरे पास दो लैटिस पॉइंट है तो ये दो लोग शेयर करेंगे, तो हर किसी के हिस्से में आधा वॉल्यूम आएगा। अगर चार पार्टिकल्स है तो हर के हिस्से में 1/4 आएगा। तो यही वो चीज थी जो समझने वाली थी, इंपॉर्टेंट थी, एग्जाम में पूछी जाती है। ये जो यहाँ पे ये मैंने पैकिंग फ्रैक्शन भी लिख के रखा है। तो आज के लेक्चर में हमने 2D एंड 3D टाइप्स देखे लैटिस के, उनकी डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज को देखा यहाँ पे, जो एग्जाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट थी। इसके बाद हम आने वाले वीडियोस में कुछ मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे। अभी तक हम जो बात कर रहे थे वो खाली एटम्स की बात कर रहे थे, इसीलिए यहाँ पे क्या है, एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन, एक एटम की हम बात कर रहे थे इसीलिए ये एटॉमिक था। इसके बाद हम कुछ देखेंगे मॉलिक्यूल से रिलेटेड। तो अगले वीडियो में हम देखने वाले मॉलिक्यूलर पैकिंग फ्रैक्शन, बेसिकली पैकिंग फ्रैक्शन की जगह उसमें किस तरह से अरेंजमेंट है, क्या क्या आता है, ये सारी चीजें, और मिलर इंडाइसेस और ये सारी चीजें जो अभी आनी बाकी है। तो तब तक के लिए देखते रहिए हमारे चैनल को और बने रहिए हमारे साथ।